कुमारी बोल रही हूँ। आज मैं आपको गैस, एसिडिटी एवं कॉन्स्टिपेशन की अच्छी दवा के बारे में बताने जा रही हूँ। गैस पारो सिरप सबसे पुरानी गैस की दवा है, जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए अत्यंत उपयोगी एक रामबाण इलाज है। आइए इसको उपयोग करने की विधि बताते हैं। गैस पारो सिरप 200 ml का है। इसको एक कप पानी तथा 10 या 20 ml, जिनको ज़्यादा गैस है उसके लिए 20 ml और जिनको हल्का कम है उसे 10 ml इसे घोल कर पी जाएंगे। इसका सेवन खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि पेट में गैस कैसे बनते हैं। उम्रदराज लोगों की गैस की समस्या होती है। चाय कॉफी पेट में गैस बनने का प्रमुख कारण शराब, बीयर, धूम्रपान, गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन। जल्दी जल्दी खाना खाने से गैस की शिकायत हो जाती है। अधिक समय तक खाली पेट रहने से गैस, एसिडिटी होने लगती है। तला हुआ और अधिक मसालेदार चीज़ें खाना, जंक फूड खाने से भी पेट में गैस बनती है। कुछ लोगों को दूध पीने से, भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने से और भूख से अधिक खाना खाने से गैस की परेशानी हो जाती है। ज़्यादा समय तक भूखे खाली पेट रहने से तथा पानी कम पीने से गैस की परेशानी हो जाती है। पेट में गैस के लक्षण: पेट दर्द करना, पेट भारी रहना, पेट में जलन होना, भूख कम लगना, खाना हजम ना होना, डकारे आना, अफरा, भोजन के बाद पेट में भारीपन लगना, पेट ठीक से साफ न होना। इसे छुटकारा पाने के लिए गैस पारो सिरप 10 से 20 ml रोजाना दिन में 2 बार दे सकते हैं। गैस पारो पूर्णतः हर्बल है। गैस पारो सिरप सभी मेडिकल स्टोर तथा प्रिया फार्मा आयुर्वेदा स्टोर पर उपलब्ध है। पुराने से पुराने गैस से पीड़ित मरीज गैस पारो सिरप का प्रयोग अवश्य करें। गर्भवती अवस्था में इसका उपयोग न करें। अगर आपको मिलने में कठिनाई होती है तो 6007233960 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।